तो गाइस बहुत ज्यादा मजा आ रहा है, बहुत ज्यादा ठंडा पानी है और सारे पाप भूल गए हमारे, चंडीगढ़ से आना था। तो हे गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल, होप यू गाइस ऑल गुड। सो गाइस होप करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। सो गाइस आज है 9 जुलाई 2022। तो गाइस आज हम जा रहे हैं ट्रैवल करने हरिद्वार, वो भी बाइक से। मेरी फर्स्ट बाइक ट्रिप है और ये हम अभी आ चुके हैं। हम ये देख सकते हो ये डेरा बसी का टोल प्लाजा है, यहाँ हम अभी चंडीगढ़ से आए हैं 40 किलोमीटर तक। और अभी हम पंकज को मिलने आए हैं, ये रहा इसने लेट कराया, ये रहा गोवा बीच। गोवा बीच भाई, पहले जाएंगे हरिद्वार, उसके बाद जाएंगे गोवा बीच, ठीक है, फिर ऋषिकेश, देखते हैं कहाँ कहाँ हम कवर कर पाते हैं। ये रहा विनोद, ये भी लेके आया मेरे को बाइक पे। और अब पंकज, इस बंदे से मिलने के लिए हम 40 किलोमीटर दूर आए हैं, ये रहा पीछे टोल प्लाजा। अब हम सीधा, हमने अभी ट्रैवल करना बाइक पे, ये रही हमारी एक बुलेट है, एक सुपर, ये एक बुलेट है और ये कहाँ गई, ये सुपर स्प्लेंडर है विनोद की। अभी हमने 170 किलोमीटर ट्रैवल करना है और हरिद्वार जाना हमारा जो फर्स्ट स्टॉप होगा हरिद्वार का होगा, ठीक है, बने रहो और चलते हैं, ठीक है। सो गाइस अभी खड़े खड़े 10-15 मिनट हो चुके हैं और टाइम हो चुका है 7:13 और ये बेचारे देख सकते हो इनकी अभी तक पैकिंग ही नहीं हुई, बाइक पर बैग ही नहीं बांध पा रहे, राइडर विनोद इसकी मदद कर रहा है, नहीं कर रहा करे भाई, इसने अपना पूरी अपने सुपर स्प्लेंडर से देख सकते हो पूरी बांध दी, पूरी रस्सी पूरा जुगाड़ रखा हुआ इसने, हमारे बुलेट में हमारी पैकिंग नहीं करवा रहा बंदा, पर लगा हुआ है मेहनत करने, जल्दी हमारी भी पैकिंग हो जाएगी। और 7:14 हो चुके हैं, अभी तक हम निकले नहीं हैं, अभी हम टोल प्लाजा के पास ही खड़े हुए हैं, देखते हैं। और 170 किलोमीटर हमने बाइक से कवर करना है। अभी हम चंडीगढ़ से आ चुके हैं, कांसल से हम आए हैं, विनोद का घर कांसल में, उसको उसने मुझे वहाँ से पिक किया। अब भी इसके पास आए हैं, क्या नाम है, पंकज के पास आए हैं। अभी हमने 177 किलोमीटर कवर करना है बाइक से और ये मेरी फर्स्ट बाइक ट्रिप है, बाकी इंजॉय करते हैं और देखते हैं, ठीक है। तो गाइस देख सकते हो आपके भाई ने मांगा वो चश्मा ले लिया, बट ये आया चश्मा इसको पंकज को बाहर से आया, पता नहीं कौन सी कंट्री से इसके रिश्तेदार ने भेजा, बट भाई आपका बहुत स्मार्ट लग रहा है इसमें। अभी अप्पा फोटो वगैरह डालने वाले हैं, इंस्टाग्राम पे चेक कर लेना, यहाँ यूज़र नेम आ रहा होगा, ठीक है, जल्दी आके फोटो वगैरह चेक कर लेना। और बाकी हमें यहाँ 15-20 मिनट हो चुके हैं खड़े खड़े, अभी तक हमारी बैग की पैकिंग वगैरह वैसे डन हो चुकी है, ये राइडर विनोद ने पूरी डन कर दी है, हमारी बुलेट पूरी रेडी है, देख सकते हो। एक भाई विनोद ने बांधा है, खुल नहीं सकता, चाहे हमारी पूरी ट्रिप कम्प्लीट हो जाए वहाँ जाके खुलेगा। और ये रहा विनोद, अब चलते हैं, अब यहाँ पे 2-3 फोटो खिंचवाते हैं, वैसे तो हमें आधा घंटा होगा यहाँ खड़े खड़े, बाकी यहाँ चलते हैं। 170 किलोमीटर हमने अभी कवर करना है, बाकी देखते हैं नेक्स्ट स्टॉप हम कहाँ लेते हैं, ठीक है। गाइज फाइनली अभी हमारा ये फर्स्ट स्टॉप है, 9:36 पे हमने पहला स्टॉप लिया है और सहारनपुर से हम 20 किलोमीटर पीछे रुके हैं अभी चाय पीने के लिए। भाई इतनी तेज़ बाइक दौड़ाता है बंदा, आ गया वो भटक रहा है पंकज, भाई बुलेट को उसने तो भैंस किया खारले बना रखा है, मैं पीछे बैठा हूँ, मेरी हालत ख़राब हो रखी है, इतनी तेज़ वगैरह है, मेरा हेलमेट का शीशा बार बार ऐसे 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 हो रहा है। और अभी हम रुके हैं ढाबे पे, देख सकते हो साई शुद्ध ढाबे पे रुके हैं। अभी हम मैक्सिमम ट्रैवल कर चुके हैं, 80-90 किलोमीटर अभी हम ट्रैवल कर चुके हैं और अभी हमने 90-95 किलोमीटर भी और ट्रैवल करना है। अभी एक छोटी चाय की जूस के मारेंगे, उसके बाद फिर निकलते हैं। ये रहा भाई इतनी तेज़ बुलेट चला रहा ना, कसम से बार बार शीशे हेलमेट का शीशा बार बार नीचे हो रहा था। अभी आपको चाय पी के दिखाते हैं। सो गाइस फाइनली हमारी चाय आ चुकी है, देख सकते हो ये चाय, मेरा यही बंदा जिसने बुलेट को हाले डिवर्सन बना रखा है, ये रहा विनोद। अब एक एक चाय जिसकी मारते हैं और फिर निकलते हैं। अभी सहारनपुर से 20 किलोमीटर पीछे हैं,
हरिद्वार अभी 90-95 किलोमीटर है अभी इसको कवर करते हैं जल्दी। पहला स्टॉप है अभी हमारा ये, चलो फिर चलते हैं। सो गाइस 25 किलोमीटर ट्रैवल करने के बाद हम रुके हैं गुरु नानक वैष्णो ढाबा होटल पे, अब अंदर चलते हैं और खाते हैं और देखते हैं। सिर्फ 25 किलोमीटर हमने ट्रैवल किया और यहाँ रुके हैं खाना खाने के लिए। रात का टाइम कितना हो गया? 11:06 हो गए और हम रुक चुके हैं गुरु नानक वैष्णो होटल। सो गाइस फाइनली हमारा डिनर कंप्लीट हो चुका है, तंदूरी रोटी और दाल मखनी के साथ हमने अपना डिनर कंप्लीट कर लिया। यहाँ से अभी 40-45 किलोमीटर रह गया, 1 घंटे का सफ़र रह गया हमारा, तो मिलते हैं आपको हरिद्वार में। सो गाइस देख सकते हो मैं पूरा गीला हो चुका हूँ, अभी हम पता नहीं कितने किलोमीटर पीछे रह गए, अभी हमें अनुमान नहीं है, अभी हमने आइडिया लगाया कितने किलोमीटर पीछे हैं। बस इसकी बाइक का टीचर, बाइक का कह रहा हूँ, इसके पंकज के हेलमेट का वाइजर टूट गया, बारिश हो रही थी, वाइजर निकल गया, हमने अपना गॉगल ऐसे ही किया नीचे, फिर अब ये गॉगल काम आया, अभी इसका वाइजर टूट के पीछे गिर गया था, हमने उठाया अभी, नहीं तो बुरे हाल हो रखे। देखो पूरा गीला हो रखा हूँ भाई, रेंज बारिश ने पूरा हमारा ट्रिप खराब कर दिया, वैसे एंजॉय कर रहे हैं। बेचारा विनोद पूरा दुखी है, अपा एंजॉय कर रहे हैं पर ये इसका पंकज का ये वाइजर टूट गया था हेलमेट का, तो हम अभी रुके हैं अभी साइड में। वैसे तो मैं पूरा गिल्ला हो चुका हूँ, अभी कहीं देखते हैं कहीं रुकेंगे और वहाँ पे कपड़े वगैरह चेंज करें, ठीक है। तो गाइस फाइनली अभी हम हरिद्वार में आ चुके हैं, हम 3:11 पे पहुंच चुके थे हरिद्वार और यहाँ पे पूरी बारिश हो रही दबा के, पर हम अभी आए हैं गिल्ले हो गए पूरे प्रॉपर, अभी हमने अपने कपड़े कपड़े सुखा दिए, चाय पी चुके हैं कि कभी एक और ऑर्डर किए, अभी हमने येरा पंकज इसने भी कपड़े चेंज कर लिए, पूरा विनोद ने भी कपड़े चेंज कर लिए, पूरे गिल्ले हो चुके थे, अभी हम दोबारा चाय पियेंगे। बहुत ठंड लग रही है, हल्की हल्की ठंड लग रही है और बारिश बहुत तेज़ हो रही है यहाँ पे, बाकी अभी जैसी थोड़ी सुबह से होती है फिर जाके स्नान करते हैं और गंगा जी के दर्शन आपको कराते हैं, ठीक है। तो गाइस टाइम हो चुका है 5:40, तो अभी हम मैं उठ चुका हूँ और ये देख सकते हो मेरे सामने ये विनोद ने टेंट लगाया है, और विनोद ये विनोद हम तक इन्होंने टेंट लगाया, मैं बाहर सोया था, ये एक टेंट है एक ही बंदे वाला, पर ये दोनों सो गए अंदर और बारिश हो रहा था, सो तो गया छः बंदे वाले हैं, तो हम चलते हैं गंगा का स्नान करते हैं और पानी लेते हैं करके लिए निकलते हैं। सो गाइस टाइम देख सकते हो आप हो गया है 5:51 हो गया, अभी हम नीचे जा रहे हैं टेंट वगैरह निकालते हैं। ये रहा विनोद और ये पीछे देख सकते हो मेरे, ये पूरी गंगा है, अभी हम जा रहे हैं, अभी हमने स्नान नहीं किया, अभी हम रात के छोटी ये छोटी भी निकलती है यहाँ पे, छोटी जो मतलब पानी कंट्रोल करते हैं, बाकी जो मेन नहाने वाला है ना वो दूसरी तरफ है, वो भी लेके चलते हैं, ठीक है। अभी चलते हैं वहाँ पे, अभी हम सुबह नहीं कल शाम के 6:30 के निकले हुए हैं अभी तक देख लो, और 5:52 हो चुके हैं, अभी नीचे पंखा सो रहा है टेंट में, अभी चलते हैं टेंट निकालते हैं, अभी स्नान वगैरह करते हैं और गंगा जल लेते हैं और फिर निकलते हैं घर की तरफ। फाइनली हम हर की बॉडी पे पहुँच चुके हैं, अभी हम फिलहाल ये पुल पे घूम रहे हैं, ये देख सकते हो लोग बहुत भरे पड़े हैं पीछे, देख सकते हो गंगा और काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, और काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे और काफ़ी मज़ा आ रहा है, पूरी जो दिन भर की कल रात की थकान थी सारी दूर हो गई है और होने वाली है, क्योंकि अभी हम जा रहे हैं स्नान करने,
वहाँ पे देखते हैं। और वैसे तो बहुत भीड़ है, अभी देख सकते हो मेरे बैक साइड देख सकते हो पीछे कितनी भीड़ है, दिखाते हैं आपको वहाँ पे जाके। तो गाइस फाइनली अभी मैंने जो गीले कपड़े चेंज किए थे अब दोबारा डाल लिए नहाने के लिए। सामने देख सकते हो पूरा चेंज करने के लिए बनाया, बट उसमें कुंडी नहीं है क्या, तो जल्दी चलते हैं नहा के दिखाते हैं। गाइस फाइनली मैंने स्नान कर लिया और बहुत मजा आया। पहले पानी बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, बट जैसे ही पहली डूबकी मारी तो पानी एकदम मतलब कि नॉर्मल लगने लग गया। और स्नान कर लिया बहुत अच्छा लगा। और मेरा पंकज विनोद गया हुआ चेंज करने के लिए, मिल रहे हैं। सो गाइज फाइनली हमारी हरिद्वार की जर्नी कंप्लीट हो चुकी है और हमने 177 किलोमीटर कंप्लीट कर लिया। और हमें इस ट्रिप में बहुत ज़्यादा हर एक चीज़ का सामना करना पड़ा, हमारे सारे जितने कपड़े वगैरह थे सब गीले हुए, फिर हमने चेंज किए, बहुत पता नहीं क्या क्या सामना करना पड़ा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच, और जल्दी आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, यहाँ ये लिंक आ रहा होगा। और अगली ट्रिप अब आपको अगले ब्लॉग में पता लगेगी, जब तक के लिए आप जल्दी आके इंस्टाग्राम पर फॉलो करो, यहाँ यूजर नेम आ रहा होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले ब्लॉग में। कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग, लव यू ऑल, जय हिंद।